नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो लाए हम पनीर और मटर की सब्जी बनाएंगे और फ्राई करके हम पनीर को बनाएंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को दबाइए ताकि कोई सी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों हमने पनीर ले रखा है और ये आधा किलो पनीर है। तो आज हम बनाएंगे पनीर को फ्राई करके, आपको दिखाते हैं आगे। तो पनीर की सब्जी में हम क्या क्या डालेंगे वो दिखा रहे हैं आपको सामान। तो दोस्तों ये हमने लहसुन छील लिया और ये मैंने अदरक काट लिया और ये मैंने 3 से 4 बड़ी प्याज काट लिया मीडियम साइज और ये मैंने 3 टमाटर काट लिया मीडियम साइज और ये मैंने मटर छील लिया। और अब आपको हम दिखाते हैं आगे। दोस्तों ये सारा मसाला हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये कटी हुई प्याज हम डाल लेते हैं इसमें, ग्राइंड करेंगे। कटा हुआ टमाटर, इसको सारा हम ग्राइंड कर लेते हैं मसाला। तो गैस पर हमने चढ़ा दिया कढ़ाई, अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो हम डाल रहे हैं सरसों का तेल इसमें। तो दोस्तों हमने सरसों का तेल डाल दिया, अब इसमें तेल गर्म हो जाए तो हम पनीर को फ्राई करते हैं। और जब तक हम पनीर को अपना तैयार कर लेते हैं टुकड़े काट के, तो तेल जब तक गर्म हो रहा है जब तक हम ये काट लेते हैं अपना पनीर टुकड़े कर लेते हैं इसको पीस तैयार। तो पनीर को हम छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो देखिए ऐसे हम काट लेते हैं सारे पनीर को, तेल गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे पनीर, फ्राई करेंगे पनीर, डालेंगे फ्राई करेंगे। तो सावधानी से डालेंगे दोस्तों, फ्राई कर लेते हैं। कितनी पैक हो गई दोस्तों, इसको हम फल कर देते हैं, कितनी पैक कर लेते हैं फ्राई। तो दोस्तों ये हो गई फ्राई, अब इसको हम सारी पनीर को निकाल लेते हैं। अब ये मैंने इसमें डाल लिया, बाकी भी बची हुई मैं फ्राई कर लेती हूँ। मसाले को भिगो देते हैं पानी में, घोल देते हैं मसाला, भिगो देते हैं भूल जाए। ये दालचीनी है, तेज पत्ता हमने ले लिया है, दो तीन तेज पत्ते टुकड़े कर लिए। ये जो फ्राई किया था उसे हम ये डालेंगे टॉप लगाने सब्जी में। तेज पत्ता और ये दालचीनी हो गई पक गई, तो अब इसमें हम प्याज डालेंगे कटी हुई। दोस्तों गोल्डन कलर की प्याज हो गई भूरी रंग की, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ये पेस्ट बनाया था प्याज लहसुन का अदरक का, वो डालेंगे। तो मिला देते हैं इसको दोस्तों, पका देते हैं। मटर है और मटर को हम साथ में पका लेते हैं पेस्ट के साथ। तो मिला देते हैं हम इसको, मटर को और मसाले को पका लेते हैं साथ में, हमारी मटर भी साथ में पक जाएगी। तो देखिए दोस्तों हमारा ये मसाला पक गया, अब इसमें हम मसाला डालेंगे जो घोल रखा है। तो ये जो हमने मसाला तैयार किया था घोल बनाया था वो डालेंगे और ये मिला देते हैं पका लेते हैं। तो हमारा मसाला दोस्तों और मटर पक गई है, अब इसमें हम पनीर डालेंगे जो हमने फ्राई की थी पनीर को। और देखिए दोस्तों बहुत अच्छी लगती है ऐसी सब्ज़ी, बना के आप खाइए और बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैंने देखो बनाई हूँ कई बार, तो हमारी देखिए अब इसको हम चला दिए और इसको हम 10-20 मिनट पका लेते हैं ताकि मसाला इसमें ऐड हो जाए और नमक ऐड हो जाए पनीर में हमारी। तो इसी तरह हम पका लेते हैं, ढक देते हैं इसको। तो हमारी सब्ज़ी देखते हैं पक के तैयार हो गई कि नहीं।
तो देखिए दोस्तों, हमने खोल लिया, हमारी सब्जी पक गई और इसको हम चला लेते हैं अच्छी तरह। और देखिए सॉफ्ट हो गई पनीर और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मन कर रहा है कि अभी खा लूँ। तो देखिए दोस्तों, बहुत प्यारी सब्जी है ये और बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई और इसमें अब हम धनिया डालेंगे। तो धनिया मैंने पहले से धो रखी हूँ 3-4 पानी में। और देखिए बहुत अच्छी सब्जी है, बहुत प्यारी लग रही है। पनीर देखिए कैसी लग रही है, प्यारी है ना। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें हम धनिया डाल देते हैं। गैस को हम बंद कर दिए और डाल देते हैं इसमें धनिया। तो ये धनिया मैंने 2-3 पानी पहले धो लिया था, अब इसमें हम डाल देते हैं। देखिए हमारी सब्जी ये बनके हो गई तैयार और धनिया भी मैंने डाल दिया। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में तो और स्वाद लगती है दोस्तों। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो थैंक यू, बाय बाय।